चैनल पहाड़ी प्रीति पर स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्थी। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग टाइम से। आई थिंक अभी 6 बज रहा होगा इवनिंग टाइम, और मेरी सासू माँ जी आ गए हैं पानी लेके। आज एक्चुअली हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, पानी चले गया, तो सास जी पानी लेके आ गई है और बहुत दूर से लेके आई है। एक्चुअली मैं शूट करना भूल गई क्योंकि शाम का टाइम हो गया। तो कितनी दूर से आ रहे हैं आप पानी लेके? 1 किलोमीटर दूर, और वो भी चढ़ाई चढ़ाई इतना, क्योंकि पानी आज आ नहीं रहा है अभी मतलब जल्दी ने। आजकल कुकू 7 बजे उठ जा रहा है सुबह, और अभी फिर से सो गया 6-7 बजे। रन शाम को सो जाता है, इतना थक जाता है, घूमता रहता है। पहले स्कूल जाता है, फिर वहाँ से आता है, फिर स्कूल आने का उसका मन नहीं करता, फिर भी आ जाता है, फिर भी घूमता रहता है। और जब उसको नींद आने लग जाती है तो मेरे पास आ जाता है, नींद आ रही है। तो फिर अगर उसको सुलाओ भी नहीं ना शाम को, तो फिर भी वो ऐसे पस्त होकर एक जगह में सो जाता है ऐसा। तो उसने 2 दिन से ऐसा कर दिया कि अब रात को सीधा मॉर्निंग में उठ रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है कभी। कल तो मैंने उठा दिया था, फिर भी खाना नहीं खाया उसने, रोने में लगा होता, चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चों, बीच में नींद डिस्टर्ब हो जाती है जब उठा के। तो अभी वो सो गया, तो उसने देखे ट्वाइस, कुछ बाहर फेंके हुए हैं, कुछ यहाँ फेंके हुए, इन सबको उसकी बास्केट में रखना है क्योंकि बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। और आज पानी अभी पानी गया, और साजी पानी लेके आ गई थी। और यहाँ जो दिन के खाने के बर्तन है लंच टाइम के, वो यहीं पड़े हैं क्योंकि पानी अभी गया है और आ नहीं रहा है। देखिए, जिस कारण बहुत पानी ना हो, वैसे टंकी है पर टंकी का यहाँ फिट नहीं करा, वॉशरूम में फिट करा ऑनली उसका पानी, तो वहीं से लेके बर्तन धुलने पड़ेंगे। प्लस पीने का पानी लेके आ गई है साजी, और अभी तो बहुत ठंडा पानी होता है पर गर्मियों में बहुत ठीक रहता है पानी। बस अभी मेरे को क्लीनिंग करनी है, देखिए मेरे पीछे कितना डस्ट करा हुआ। अभी मैंने सोफे के कवर मैंने परसों धुल दिए थे कल, और बीच में बारिश हो गई थी तो जिस कारण आधे सूखे थे आधे नहीं सूखे थे, तो मैंने आधे अभी मतलब आज सूख गए थे तो मैंने उनको लगा दिया। और बस आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह से मैं बहुत बिजी थी, आज मेरे को टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का। अभी थोड़ी फ्री हूँ, सोचा बना लूँ ब्लॉग और आप सबको शेयर कर लूँ अपनी नाइट का रूटीन कैसा कैसा होता है। तो पहले मुझे क्लीनिंग करनी है इन सब की। चार्जिंग वाला बल्ब होता ना, ये उसी में लगा है, चार्ज होता रहता है जब लाइट रहती है। तो अभी थोड़ा सा उजाला उसका है, मौसम बहुत ख़राब हो गया है, बारिश आने वाली है। और साथ ही यहाँ पे राय रख रही है शॉप के लिए, एक्चुअली हमारी शॉप भी है सब्जी फ्रूट्स वगैरह के, जो ससुर अभी फ्रेश फ्रेश राय तोड़ के आया, ये फुल भरा था, अब इसमें भर रही है ससुर जी जब शॉप में ले जाएंगे कल ले जाएंगे। और ये पालक भी है, थोड़ा पालक भी लगा था वो भी लेके आई है। तो सास जी बहुत मतलब खेती करने में एक्सपर्ट है, बहुत चीज़ें उगा लेती हैं सब्जियाँ एक से एक। गर्मियों में तो आप देखने को मिलेगा आपको एक से एक सब्जियाँ उगाएंगी, लौकी कद्दू और भिंडी, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी और कैसे ये उगाती है ये भी दिखाऊंगी। और हेलो बच्चों, हाय, मुझे तो ये सब्जी उगानी बहुत पसंद है, उगाती रहती हूँ, फिर दुकान में भी देती हूँ, घर में भी खाते हैं ताज़ी ताज़ी सब्जी। आप दिखाओ, घर पे भी आते हैं सेलिंग के लिए, जो भी लेने आते हैं तो घर पे भी हम बेचते हैं। मतलब ऐसा मतलब एक रोज़गार हो जाता है, व्यवसाय अपना हो जाता है। यहाँ सास जी ने बहुत स्ट्रगल कर रहा है और खेती करने में, तो मतलब उनका तजुर्बा तो एक कि पहले टाइम से करती आई है, तो उनके हाथों से हो भी अच्छा से जाता है खेती, और सब्जी वगैरह ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। वैसे तो और फसलें इतना हम उगाते नहीं हैं, बट जो हमारे आस पड़ोस खेत रहते हैं उन्हीं पर उगा लेते हैं, दूर दूर इतना जाते नहीं हैं। तो बस अभी सब्जियों का टाइम चल रहा है, सब्जियाँ उगा रहे हैं, आप देखते हैं सीजन आगे क्या होगा। आलू भी बो रखे हैं, आलू भी उग जाएंगे, प्याज भी बो रखा है शायद थोड़ा थोड़ा, तो आगे देखेंगे जो जो होएगा, मैं आपको दिखाती रहूँगी।
सो बाय, मिलते हैं थोड़ी देर पे। और कुकू सो रखा है, पता नहीं कल उठेगा या अभी बीच में उठेगा तो हम उठा देंगे, खाना खिलाएंगे, कोशिश करेंगे, पर बहुत चिढ़ जाता हो, अगर खाना खिलाओ तो बहुत चिढ़ता हो। तो देखते हैं कुकू उठेगा तो सही है, नहीं तो देखते हैं कल ही उठेगा, फिर कल ही स्कूल जाएगा। थक जाता है बेचारा आजकल, वो स्कूल जा जा के थक जाता है, और लाइट भी आ गई है तो थक जाता हो स्कूल जा जा के। बस यही है, और लाइट आ चुकी है और हम आपसे कंटिन्यू बातें कर रहे हैं सास जी और मैं। आज मैंने साड़ी पहनी है। एक्चुअली अब मैंने एक रूल्स निकाल दिया है कि मंडे मंडे मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि मुझे आता नहीं साड़ी पहनना, तो मंडे मंडे पहनूंगी तो सीख भी जाऊंगी। और अभी मैं सास जी से बुनाई भी सीख रही हूँ, अभी उन्होंने सिलाई में डाली है फंदे तो वो भी सीख रही हूँ। सीखना जारी रखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो सीखते रहना चाहिए, उसमें कोई शर्म या कुछ नहीं करनी चाहिए, या नहीं आता है इस डर से हार नहीं मानना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो अभी मैंने सिलाई सीखी है, अभी सिंपल अभी मुझे आता नहीं है तो सास जी से सीखूंगी, वो बहुत एक्सपर्ट है बुनाई में, वो तो सभी चीज़ों में एक्सपर्ट है, तो मैं सब चीज़ें सीखना चाहूँगी। हर कोई किसी ना किसी में एक्सपर्ट रहता है, तो जैसे मैं वीडियो व्लॉगिंग बनाने में एक्सपर्ट हूँ, तो सास जी और काम में एक्सपर्ट है। तो बस हम शेयर करेंगे आपसे अपनी लाइफ, और आज हम भिंडी बना रहे हैं, और अभी वैसे हम भूल गए, वैसे सब्जियाँ इतनी रहती हैं यहाँ की, क्योंकि ससुर जी की शौक है तो पता ही नहीं चलता कि कौन सी सब्जी बनाएं, तो अभी डिसाइड हुआ कि भिंडी बनाएं। वैसे भिंडी को पहले धुल के रख देते हैं ताकि पानी उसका साफ हो जाए, अभी धुला, फिर अब देखते हैं उस पानी से तो थोड़ा किचकिच सी बन जाती है। मेरे छोटे ससुर जी और ये अभी बस बैठे हैं, हम वो चाय पीते नहीं है इसलिए मैंने उन्हें चाय देनी है। कैमरे के हाथ कैमरे के आगे हाथ लाओ। तो चाय इंजॉय करे जा रही है और बारिश हो गई है, देखिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, देखो बारिश हो रही है, और वो देखिए मटर का कट्टा है उसमें अभी मटर छाटेगी सास जी यहाँ पे बैठ के मटर सब्जी का छटनीकरण करते रहते हैं कि कौन सी सब्जी ठीक है कौन सी वो है। तो बस अभी उस मटर का पूरा बैग भरा है, उसको अभी ठीक ठाक करना है, मटर निकालना है, तो ये सब काम सास जी करती है। तो हम बारिश हो गई है, बहुत ठंडा सा हो रहा है, इस दरवाजे को बंद करना पड़ेगा। तो बाय, मिलती हूँ मैं। खीर बन के रेडी हो चुकी है, देखिए ना आप, लग रहा है सास जी के लिए। थोड़ी सी बारिश हुई थी तो उस बारिश ने ठंड बहुत कर दी है, फिर से ठंड हो गई है। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।